कई बार आप भी सोचते होंगे काश मैं किसी एक नंबर को स्विच ऑफ बता पाता। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हमें किसी एक नंबर स्विच ऑफ बताना होता है, उस कंडीशन में हम अपने मोबाइल को भी स्विच ऑफ नहीं कर सकते और अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड में भी नहीं कर सकते। तो हम किसी एक या एक से ज़्यादा नंबर को स्विच ऑफ कैसे शो कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताया गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो करिएगा ही, अब तो आप मेरी वीडियो देख के मोबाइल रिचार्ज जीत सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये वीडियो देखिए। किसी भी एक नंबर या एक से ज़्यादा नंबर को स्विच ऑफ बताने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर डायलर पैड को ओपन कर लेना है। डायलर पैड को ओपन करने के बाद अभी आपको यहाँ पे सेटिंग के आइकन पर क्लिक कर देना। आपके मोबाइल में ऊपर तरफ 3 डॉट भी हो सकते हैं, जो कि मेरे मोबाइल में यहाँ पे नीचे की तरफ ये 3 डॉट दिए हुए हैं, तो आपको वहाँ पे क्लिक कर देना। इसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो मेरे सामने यहाँ पे सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे किसी एक नंबर को स्विच ऑफ बताने के लिए आपको यहाँ पे ब्लैक लिस्ट पर क्लिक कर देना। रुके रुके भाई, कई यूजर तो ब्लैक लिस्ट का नाम सुनते ही इस वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं आपको यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। आपको यूट्यूब पर इस सेटिंग के बारे में किसी ने आज तक नहीं बताया होगा। नॉर्मली आपने ब्लैक लिस्ट का यूज नंबर को ब्लॉक करने के लिए किया होगा, लेकिन आज मैं आपको जो सेटिंग बताने वाला हूँ, इस सेटिंग के जरिए आप किसी भी एक नंबर या एक से ज्यादा नंबर को स्विच ऑफ बता सकते हो। तो आपको ये सेटिंग किस सिम में अप्लाई करनी है, सबसे पहले आपको सिम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे ब्लैक लिस्ट की सेटिंग को ऑन करेंगे। सेटिंग ऑन करने के बाद अभी आप यहाँ पे ब्लॉक नंबर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऐड कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे उस कॉन्टैक्ट नंबर को सर्च करेंगे जिस कॉन्टैक्ट नंबर को आप यहाँ पे ब्लॉक शो कराना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है, तो आपका वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी तो केवल ये नंबर ब्लैक लिस्ट में ही ऐड हुआ है, यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देना है। अभी आपको यहाँ पे सभी कॉन्टैक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। सभी कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे टिक कर देना, तो आपके सभी कॉन्टैक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको उस कॉन्टैक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है जो कॉन्टैक्ट आपने वहाँ पे ब्लैक लिस्ट में ऐड किया था। तो मैं उस कॉन्टैक्ट को यहाँ पे अनटिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है, तो वो सभी कॉन्टैक्ट आपके यहाँ पे इस लिस्ट में आ जाएंगे। जो भी आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ऐड किया है, ये कॉन्टैक्ट नंबर वो कॉन्टैक्ट है जो आपके पास कॉल कर सकते हैं, और जो आपने यहाँ पे ब्लॉक्ड नंबर में नंबर सिलेक्ट किया है वो पर्सन आपके पास कॉल नहीं कर सकता। वो पर्सन जब भी आपके पास कॉल करने की कोशिश करेगा तो उसको स्विच ऑफ बताएगा। तो आपके माइंड में एक और क्वेश्चन होगा, अगर उसने किसी दूसरे मोबाइल नंबर से कॉल कर लिया तो मेरे पास तो कॉल आ जाएगा, तो उसको पता लग जाएगा कि मैंने कोई जुगाड़ बैठा रखा है जिसके कारण मेरी कॉल उसके पास नहीं जा रही है। तो इसका भी एक इलाज है, आप यहाँ पे बैक आएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे कॉल ब्लैक लिस्ट पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे ब्लॉक कॉल फ्रॉम स्ट्रेंजर, आप ये सेटिंग यहाँ पे ऑन करेंगे। इसके बाद आपके पास किसी भी अनजान नंबर से कॉल नहीं आएगा, और जिस व्यक्ति का आपने ब्लॉक्ड नंबर में नंबर सिलेक्ट किया है वह व्यक्ति आपके पास जब भी कॉल करेगा उस व्यक्ति को आपका नंबर स्विच ऑफ बताएगा। अब केवल आपके पास वही व्यक्ति कॉल कर पाएगा जो नंबर आपने एक्सेप्शन में ऐड किया होगा, अदरवाइज आपके पास किसी भी नंबर से कॉल नहीं आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी एक नंबर या एक से ज़्यादा नंबर को स्विच ऑफ शो करा सकती हो। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।